और हमारे जो आज के मेहमान हैं वो दोनों यहाँ पे बड़े गौर से देख रहे हैं। हया खान है RJ FM 100 न्यूज़ एंकर, उर्दू अरबिक दोनों में। अभी इनका बहुत ही ज़बरदस्त टैलेंट था, सारे शहरों के 66 शहरों के नाम इन्होंने लिए और साथ में ब्लॉगर भी हैं। और अब टूरिस्ट गाइड ही कहेंगे ना, टूरिस्ट गाइड और पूरे अपने काफ़ी सारे जो पैकेजेस हैं उनको लेके मुख्तलिफ प्यारी प्यारी जगहों पर जाती हैं। ट्रैवल एंड टूर्स का इनका नया पैशन। आप कैसे अपने आपको फिटनेस की तरफ, खाने पीने का शौक बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा और कुकिंग का, कुकिंग भी करती हूँ। तो क्या सबसे अच्छा बनाती हैं? सब चीज़ें बना लेती हूँ अभी रिसेंटली। वैसे ज्यादा सब कहते हैं कि चिकन बिरयानी और हलीम ज्यादा अच्छी बनाती हूँ। सबसे मुश्किल दोनों चीज़ें जो अच्छी बनाए इसका मतलब वो बेहतरीन कुक है। सो वंडरफुल। नाज़रीन वापस आ जाते हैं, ये आप देख लें खूबसूरत, ये देखें सर जो आने वाले टाइम्स हैं। ये तो आपने किया, रेडियो का आपका पैशन हमेशा रहेगा हया, जिस तरह मेरा टीवी का अभी तक है जी, लेकिन चेंज हुआ है। प्रोड्यूस करने का कोई आपका प्लान आगे जाके एज अ प्रोड्यूसर? मैं भी वैसे करती रहती हूँ, कुछ ना कुछ प्रोड्यूस करती रहती हूँ। सारे काम करते रहते हैं दोनों छुपे रुस्तम है। आपके भाई हया 5 से 8, 5, 6, 7, 8, 3 आवर्स जी, तो इसमें पॉलिटिकल भी कभी रखती हैं थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तड़का? इसमें हम जो करंट हैपनिंग्स होती हैं वो हम साथ साथ लेके उसको चलते हैं। अच्छा। इसमें इंफॉर्मेशन भी होती है साथ में, साथ में इसके जितनी भी वर्ल्ड की हैपनिंग्स हैं वो भी, करंट अफेयर्स भी थोड़ा सा आता है, इसके अलावा करेंसी क्या चल रही है सब कुछ इसमें गोल्ड मिक्स होता है। क्या रेट्स हैं जब बढ़ जाते हैं तो हम लोग बहुत टच में आते हैं, जब कम हो जाते हैं तभी टच में आते हैं, क्योंकि जिन्होंने सेल करना होता है ना वो सोच रहे होते हैं सेल करें तो एकदम से नीचे हो जाते हैं रेट। तो बेसिकली सब इन्फॉर्मेशन आपकी शामिल। वंडरफुल, जबरदस्त। नाज़रीन एक हमारे साथ कॉलर भी, कोई मजेदार वाकया, कोई अजीब सा कॉलर होता है ना, अजीब कॉलर्स तो होते हैं, वेट करते हैं क्योंकि बंद करने में एटलीस्ट 2-5 सेकंड लगते हैं। कोई ऐसा कॉल आपको आई हया, आप बताएं पहले और फिर किफायत। आप ऐसी कॉल्स बहुत आती हैं। अच्छा। और कभी कभार कोई जिद भी हो जाती है तो बार बार कॉल्स आती हैं। अच्छा। फिर हमें अपने आप को जो है बहुत ज्यादा अलर्ट रखना पड़ता है, जैसे ही कॉल आए तो हम टू लाइन कट गई है इस तरह करना पड़ता है फिर उसके बाद। नहीं कोई ऐसी कॉल, अच्छा आपको किफायत सब लग रही थी कि मेरी जलील साहब से बात हुई तो मिसेस इब्राहिम कह रही होती थी अच्छा गुलशन जो है उनको मेरी तरफ से, उनकी कम्युनिटी अलहदा बन गई थी। हाँ। है आपके साथ होता है ऐसा? बिल्कुल ऐसे ही होता है। और हम, मेरे साथ तो ये भी हुआ है कि आपस में लोगों की शादियां भी हो गई हैं। मैंने खुद देखी हैं 2 शादियां तो मैंने खुद देखी हैं कि वो मेरे कॉलर्स थे और अच्छा। आपस में भी हाड़ी के थे, नाम भी ले लेती हूँ नदीम एंड लाइबा, और उन दोनों की आपस में शादी हो गई, कॉल्स करते थे दोनों। इसी तरीके से और भी आंचल हैं, बहुत से लोग हैं, और अफशीनाज ट्रू फ्रेंड के नाम से आते हैं, हमदुल्ला जैसे इन्होंने कहा, बहुत से ऐसे। मैं अगर किसी एक का नाम नहीं लूँगी वो नाराज़ हो जाएंगे, वो नाराज़ भी हो जाते हैं। हाँ, कि हमारा नाम ही आया आपकी जुबान से। अच्छा, कॉलेज की आपस में शादी हो गई? आपस में शादी हो जाती है। अब रहमत के एंटेना खड़े हो गए क्योंकि वो सोशल मीडिया पे कनेक्ट हो जाते हैं एक दूसरे के साथ। फेसबुक पेज है ऑफ कोर्स, वहाँ पे आते हैं, कमेंट्स करते हैं, एक दूसरे से बातचीत होती है, तो वो इस तरह से। अब तो उनके माशाल्लाह 2 बच्चे भी हैं। लो अब तो ये पहुंच जाएगा वहीं पे, बाहर पड़ाव डाल लेगा रेडियो स्टेशन के बाहर। ये ले हया, और जल्दी से आपने खा के बताना है कि कैसी बनी, फिर इसके बाद नान आ जाएंगे तो फिर आप बाकी जो है नान के साथ भी खा सकते हैं। ये स्पून, और नाज़रीन मैं भी परफेक्ट, लेकिन इसके साथ नान के साथ खाएंगे तो मुझे चमचे के साथ थोड़ा नमक की नाज़रीन ज्यादती हो गई है। नहीं बिल्कुल ठीक, ठीक है मेरे लिए ज्यादती हो गई है। वो मैंने एंड में वो मसाले में था नमक, वो मैंने एंड में थोड़ा सा स्प्रिंकल करके। नहीं बिल्कुल बैलेंस्ड है, जबरदस्त। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। अच्छा सा पैगाम अपने व्यूअर्स को देना चाहेंगी? मैं बस ये कहना चाहूँगी कि आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है और इसकी कदर कीजिए। हम पाकिस्तान में हैं, हमें बहुत मुश्किल से हमारे असलाफ की कुर्बानियों के बाद हमारा मुल्क मिला है, तो इसे ज़ाया मत कीजिएगा और अपना भी ख्याल रखें और अपने साथ जुड़े लोगों का भी ख्याल रखें। थैंक यू सो मच K2 TV एंड यू एज़ वेल। थैंक यू सो मच, आप बहुत बहुत शुक्रिया, लवली हैविंग यू।
और किफ़ायत आप कुछ कहना चाहेंगे? 14 अगस्त आने वाला है और आज़ादी का महीना है, तो हमें एक बार फिर सोचना चाहिए कि हमारे असलाफ ने किस तरह से हमारे मुल्क को कितनी मुश्किलों से आज़ाद करवाया। ऑफ कोर्स तो पाकिस्तान की कदर करें, और पाकिस्तान में बहुत सारी पॉजिटिविटी भी है। अनफॉर्चुनेटली हम लोगों को ज़्यादा नेगेटिविटी नज़र आती है पाकिस्तान में, लेकिन पाकिस्तान की खूबसूरती और पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, तो बस उसको फील करें और उसी को स्प्रेड करने की कोशिश करें। थैंक यू किफायत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह सी यू बोथ इन अनदर शो एंड ऑल द बेस्ट। नाज़रीन आज का शो सुबह रात को सॉरी 10:30 बजे और अर्ली मॉर्निंग ओवरसीज पाकिस्तानी के लिए 5:30 बजे रिपीट टेलीकास्ट होगा। एक हम लोगों की पिक्चर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन आप सबका शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आज ये कोशिश थी, एक दूसरे का ख्याल करें, बहुत नफ़रतें जो हैं वो फैलती जा रही हैं उनको ख़त्म करें, चीज़ें भुला दिया करें और नए दिन के साथ नई सोच और नए जज्बे के साथ अपना दिन स्टार्ट करें। अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें, मुल्क से प्यार करें। मिलके कहते हैं टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।